अरे दोस्तों, अगले हम बैक सॉल्व होता है फिर से कमेंट वाली। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा होगा वीडियो का। सो वाली वीडियो ऑलमोस्ट 2 वीक लेट आ रही है एंड मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया एक्चुअली में, एंड मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं तो इसलिए वीडियो और भी ज़्यादा डिले हो सकती है। सो अभी आप लोगों को पता होगा कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपने चैनल को थोड़ा खतरे में डाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पर मेरे को स्ट्राइक पड़ सकती है। ठीक है, सो आपको पता होगा मैं पहले भी मुझे एक स्ट्राइक पड़ चुकी है एंड इस कंटेंट पर ज़्यादातर स्ट्राइक पड़ती है बहुत लोगों को एंड बहुत से क्रिएटर्स लिए बहुत सारे लोग डालते भी नहीं इस वीडियो पर, मतलब कंटेंट पर। बट लेकिन मैं आज आपके लिए फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ, सो आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, मुझे बताना वीडियो कैसी भी लगी आप लोगों को। तो जो भी लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैंने जावा के ऊपर पूजब के ऊपर कोई कंटेंट डालने की मना कर दी है। बेसिकली उससे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड मैं ऑलरेडी एक दो बार स्ट्राइक खा चुका हूँ, तो मुझे अभी स्ट्राइक खाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अभी मैं पूजब के ऊपर कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग पूजब खेलते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड बेसिकली आज मैं फर्स्ट वीडियो पूजब के ऊपर। अगर मैं कुछ गलत भी बताता हूँ तो तुम लोग कमेंट में मुझे सही कर सकते हो एंड बता सकते हो कि यहाँ पर तुम गलत हो। एंड एक और बात गाइस, ये मेरा पहला मतलब पूजब का वीडियो होने वाला है, अगर इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम इसके ऊपर और भी वीडियो डालेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको बताने वाला है पूजा लॉन्चर में आप लोग FPS को कैसे बूस्ट कर सकते हो एंड कैसे आप लोग FPS को बिल्कुल डबल कर सकते हो, जैसे आप बिल्कुल भी लैपटॉप लैग नहीं करने वाला, आपको बहुत ऑसम चलने वाला बिल्कुल गेम। इस वीडियो को मैं थोड़ा रिस्क पे बना रहा हूँ, आपको पता होगा मैं स्ट्राइक पड़ सकती है, लेकिन आप में से जितने लोग देख रहे हो थोड़ा लाइक कर दो, साथ ही चैनल पर न्यू जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया थोड़ा सब्सक्राइब कर दो एंड जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से पहले कभी मैंने पूजा को डाउनलोड नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है कैसे सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा घंटे लगे, एटलीस्ट मेरे को हाफ एन आवर या एक आवर तो लग ही गया था एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऑप्टिफाइन वगैरह मतलब देखा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन करना है अपने पूजा लॉन्चर के अंदर, आप लोग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते आपको डिपेंड करता है। एंड एक और बात गई, जब से आप लोग अपना वजन सेलेक्ट करोगे उससे पहले आप लोगों को ऑप्टिफाइन में जाना पड़ेगा, ऑप्टिफाइन में जाकर आप लोगों को उसमें वजन सेलेक्ट करना है, वो वाला डाउन करना है। ठीक है, ओनली ऑप्टिफाइन वाला वजन डाउन करना जिससे आप लोग लैग थोड़ा कम हो एंड आप लोग कोई भी सोर्स पैक यूज कर सकते हो, सेटअप पैक यूज कर सकते हो उसके अंदर जो भी आपका FPS बूस्ट वाला हो, मतलब ओनली FPS जो दे सकता है वो वही वाले मतलब सेटअप पैक या रिसोर्स पैक यूज कर रहा है। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो मैं अपनी जो सेटिंग्स है वो बहुत ज्यादा कस्टम कर रहा हूँ। अगर आप लोग को उसके ऊपर वीडियो चाहिए कस्टम सेटिंग के ऊपर तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, मतलब कस्टम सेटिंग के ऊपर बहुत से लोग देखते हैं वीडियो कि कस्टम सेटिंग मेरे को चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बना दूंगा जो आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, एंड अभी आपको दिखाता हूँ आप लोग जैसे आपको डाउनलोड हो जाएगा फिर आप सिंपली आप लोग गेम खोल लेना अपना। एंड एक और बात गाइस, जैसे आप लोग गेम खोलो उसमें सेटअप पैक कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता देता हूँ पहले ही। तो टेक्चर पैक एंड रिसोर्स पैक आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब आपको सेटअप पैक कुछ भी अप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर ने फोल्डर पे लिखा होगा, आप क्लिक करना एंड आपको एक फाइल अपनी जो फोन की फाइल खुल जाएगी अपना देख लेना एंड जहाँ भी आपने सेटअप पैक को डाउनलोड किया है वहाँ पे आपको जाना है। फिर आपको होम पे एक पूजा लॉन्चर की फाइल मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग एंड्रॉइड में जाकर वहाँ पे एक फाइल मिलती है पूजा लॉन्चर की, वहाँ पे आप जा सकते हो। बेसिकली मेरी तो यहीं पर निकल आई थी एंड दिखते आप लोग यहाँ पे आ चुकी है एंड यहाँ पे सिंपली मैं अपना सेटअप पैक है वो तो पेस्ट कर दूंगा, जो सेटअप पैक है या अभी टेक्चर पैक है वो मैं जाके पेस कर दूंगा एंड आपको मैं पूरा प्रॉपर भी दिखाता हूँ गेम के अंदर कैसे देखता है। सो बेसिकली अभी मैंने अपना जो पूजा लॉन्चर में जो मतलब सेटअप पैक मतलब रिसोर्स पैक अप्लाई कर दिया है एंड बेसिकली रिसोर्स पैक थोड़ा सा मेरा ज्यादा हाई वाला था तो मेरा लैग कर रहा था एंड आप लोग मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग को FPS बूस्ट वाला ही करना जो कि आपका बिल्कुल FPS बूस्ट कर दे एंड बहुत से आते हैं जिसमें मतलब सेटअप पैक टेक्चर पैक को ऑलरेडी बता के रखे हैं, मैंने बहुत सारे बता के रखे, नहीं तो आप लोग एक काम करिए आप लोग गूगल पर देख लीजिए और आपको फटाफट से अपना गेम खोलना है एंड सिंपली इसको अप्लाई कर देना है एंड आपको सिंपली इसका वर्ल्ड बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग वर्ल्ड बना लीजिए एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को सेटिंग क्या करनी है। जैसे आप लोग वर्ल्ड में आ जाओ सिंपली आपको क्या करना है, आपको एस्केप वाला बटन दबाना है या स्लैश मतलब बैक करना है सिंपली फोन के अंदर, आपका सेटिंग खुल जाएगा, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है, वीडियो सेटिंग में जाना एंड यहाँ पे आप देखते हो सेटअप पैक अप्लाई कर सकते हो, आप लोग कुछ भी मतलब कर सकते हो जब आपका सेटअप पैक होगा रिसोर्स पैक होगा अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैं जब भी सेटिंग बताऊंगा आप लोग को वो करनी है सिंपली आप देख सकते हो, जो सेटिंग आपको मैं बताने वाला हूँ सिंपली इसको अप्लाई करना है सिंपली आपको गेम को सेव करना है इसके बाद। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर भी सेटिंग से बताने वाला हूँ, तो आप लोग जितनी भी चीज़ें आपको फास्ट से बिल्कुल मतलब फास्ट पे कर देनी है, फास्ट से ऑफ कर देनी है, अगर फास्ट पे है कोई भी चीज़ उसको ऑफ कर देनी है, अगर ऑफ नहीं हो रही तो सिंपली फास्ट पे रहने दो। ठीक है, एंड जिसके फॉग है फॉग को कम कर दो थोड़ा सा, के एप्स है वो ऑफ कर दो, स्टार्स ऑफ कर दो, रेन तो बेसिकली ऑफ ही कर दो, बहुत ज़्यादा लैग होता है रेन के अंदर मेरा भी। एंड डायनेमिक लाइट्स आप लोग ऑफ कर सकते हो, बेसिकली ये ऑप्टिफाइन है तो उसमें डायनेमिक लाइट ऑन कर सकते हो लेकिन इससे आपका लैग ही बढ़ेगा कुछ मतलब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और रेंडर डिस्टेंस थोड़ी कम कर सकते हो, बेसिकली रेंडर डिस्टेंस अगर कम में खेलोगे तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आपका लैग ही बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगा बस यही है। एंड आप देख सकते हो मैं डायनेमिक POV भी ऑफ कर दे रहा हूँ एंड FPS को आप लोग कर सकते हो मैक्सिमम, नहीं तो आपको जितना करना है आपको कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसको मैक्सिमम रहने दो,
और लिमिट मतलब, एंड ब्राइटनेस को आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लो बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड मैं आपको प्रॉपर और दिखाता हूँ एंड बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग्स जो अप्लाई करनी है। एंड इससे एक और बात करें, इसमें जब भी एक स्टेबल एपी है इसमें सेटिंग है, तो मैं अभी फटाफट अपना जो क्या कहते हैं रिसोर्स पैक उसको अप्लाई कर लेता हूँ। एंड देख लगते हो आप लोग मेरे रिसोर्स पैक में आ चुका है एंड इसको मैं फटाफट से अप्लाई करता हूँ। एंड आपको बस ये सेटिंग्स अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड हाँ गाइस, जो मैंने सेटिंग आपको दिखाई गई वो बहुत ज़्यादा छोटी सी, आप लोग देख सकते हो। इसमें वीडियो को आप लोग स्लो कर सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, तो आप लोग मतलब प्रॉपर दिख जाएगा। मैं ऑलरेडी अप्लाई करके रखी थी, ठीक है, तो आप लोग को ईजी रहेगा। एंड आप लोग बस स्लो कर लेना है वीडियो को या तो आप लोग उसमें पॉज कर लेना, ठीक है। एंड अच्छे से देख लेना सेटिंग्स को, अप्लाई कर लेना एंड इसके आप लोग बस इसको सेव कर देना। एंड सिंपली आपको गेम में जाना पड़ेगा, मतलब अपने वर्ल्ड में जाना एंड आप लोग देख सकते हो एपीएस आपके बूस्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली इस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था, मैंने बार बार वीडियो को शूट किया एंड बार बार बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था। जो रिकॉर्डर है मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा पूजा बहुत ज़्यादा रैम ले रहा था मेरा एंड पास बहुत कम रैम है बेसिकली। एंड मैं रिकॉर्डिंग साथ में नहीं कर सकता, मतलब पूजो खेलने साथ में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता बिकॉज मेरा रैम बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 3 GB में मतलब मिलता है। उसमें से भी 1.5 तो बेसिकली मतलब ऐसे प्राइमरी चला जाता है तो बोल सकते हैं चला जाता है। एंड उसका जो बचता है वो पूजा लॉन्चर ले रहा था एंड मेरे पास बिल्कुल रैम नहीं बचा फ़ोन के अंदर। उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा रैम यूज़ हो रहा था एंड मैं बार बार पूजा भी क्रैश हो जाता था साथ में, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग साथ में करता था। तो मेरे पास कुछ मतलब स्क्रीनशॉट रखे हुए आप देख सकते हो। एंड हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे 3 GB रैम का मतलब FPS है जो आप देख सकते हो। अगर आपका रैम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, 4 GB वाला है या 5 GB वाला है, मतलब 4 GB वाला है 6 GB वाला है, तो आप लोग देख सकते हो आपके FPS बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आएंगे, 90+ FPS आ जाएंगे ईजिली आपके। एंड अभी भी मेरे ईजिली मतलब 60 पहुँच जाते थे, मतलब फ्लैक्चुएट हो रहे थे बेसिकली, मतलब बहुत सकते स्टेबल नहीं थे, कभी कभी ज़्यादा आ रहे थे कभी मतलब कभी कम आ रहे थे। तो ये गाइस जो मैंने FPS दिखा रहा हूँ गाइस, ये मेरे मैक्सिमम नहीं है, ये मेरे स्टेबल वाले हैं, मतलब बोल सकते हो मीडियम, आप बोल सकते हो मीडियम वाले हैं। मैक्सिमम FPS तो मेरे FPS जा रहे थे मेरे मैक्सिमम FPS, तो आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो ये वाले में तो मतलब FPS है मेरे, आप देख सकते हो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए मैंने, मतलब सबके अंदर आप देख सकते हो स्टेबल आ रहा था बेसिकली। मैक्सिमम अगर बताऊँ तो गाइस मैक्सिमम आ सकता है कहीं कहीं जगह पर, और मैंने अभी तक मतलब रिसोर्स पैक अप्लाई नहीं किया बिकॉज रिसोर्स पैक में थोड़ा सा वो पैक है, वो थोड़ा उसका वजन बहुत ज़्यादा कम था, स्टिकर में रिसोर्स पैक अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर रिसोर्स पैक अभी आप लोग रिसोर्स पैक भी लगाते हो साथ में या थिएटर पैक अप्लाई करते हो जो भी FPS बूस्टर लगा, तो आपको इजीली मतलब 70-80 FPS आ जाएंगे। आप लोग ये सब सेटिंग अप्लाई करना, सिंपली आपको बहुत अच्छे FPS आने वाले। एंड कैसे को पता होगा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो में मतलब स्ट्राइक पड़ सकती है, तो तुम लोगों को इतना सपोर्ट रहेगा इसका, आप लोग बस इसको वीडियो को लाइक कर दो जितना हो सके, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना मत भूलना। एंड एक और बात गाइस, बहुत जल्दी कोई वीडियो आएगी, इसमें थोड़ा एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा डिले आ रही है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को जल्दी डालने की। एंड बस आज के इसने काफी हमें नेक्स्ट मिनट, बाय बाय।